everyone, this is Moshumi and this is Sumit and welcome to our channel Escape with MS. तो अभी हम लोग हैं द फॉन्टेनस में. तो गोवा का डे टू हमने स्टार्ट किया फॉन्टेनस आके. यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने कलरफुल बिल्डिंग्स हैं. ये बहुत ही फेमस है फॉर इंस्टाग्राम पिक्चर्स. आपने बहुत जगह पे ऐसे देखा होगा, जो भी गोवा आते हैं स्पेशली ओल्ड गोवा, तब ये जगह पे तो फोटोज क्लिक होते ही हैं इंस्टा के लिए. सो बेसिकली गोवा में पोर्टुगीज कल्चर बहुत जगह फॉलो किया जाता है एंड फॉन्टेनस इज़ वन ऑफ देम. यहाँ का मेन बात ये है कि यहाँ के हर रो हाउसेज कलर वाइब्रेंट है. यहाँ पे ब्लू, येलो, रेड कलर की हाउसेज आपको देखने को मिलेंगी. एंड गेस व्हाट, पोर्टुगीज का एक कल्चर यहाँ अभी भी फॉलो किया जाता है, विच इज़ दे पेंट देयर हाउसेज आफ्टर एवरी दिवाली एवरी ईयर. सो दैट इज़ अ ग्रेट थिंग. लाइक इंडिया में ऐसा होना इज समथिंग विच इज़ नॉट फाउंड वेरी ऑफन. सो चलिए देन, लेट्स एक्सप्लोर, लेट्स सी व्हाट्स इन देयर इन फॉन्टेनस. फॉन्टेनस में सेंट सेबेस्टिन चर्च भी ज़रूर विज़िट करें. ये चर्च 1818 में बनाया गया था. यहाँ इन कलर वाइब्रेंट घरों के बीच ये प्रिस्टीन वाइट चर्च देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है. तो गाइस, अगर आप फॉन्टेनस आ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, यहाँ पे जगह जगह नॉन मोटराइज्ड जोन है, तो वहाँ पे आप बाइक मत लीजिएगा क्योंकि आपको फिर चालान कट जाएगा. एंड यहाँ पे ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. सो पीपल वो गलतफहमी ले लेते हैं कि ये पब्लिक प्लेस है. ये पब्लिक प्लेस नहीं है, दिस इज़ ऑल प्राइवेट प्रॉपर्टी. और यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं तो किसी के घर के अंदर जाकर फोटो मत खींचिए, वीडियो मत लीजिए. यहाँ के लोग प्राइवेसी को बहुत मानते हैं एंड कीप इट एज इट इज़. सो गाइज, वी आर एट दी गीतांजलि लाइब्रेरी. इट इज़ अ ओपन टू ऑल पब्लिक लाइब्रेरी. ये सुबह 10 बजे खुलता है. सो इफ़ यू आर एट फॉन्टेनस, डू चेक इट दिस प्लेस आउट. दिस इज़ वेरी ऑसम. यहाँ पे हिस्ट्रिकल बुक्स बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे एंड इट इज़ वेरी फेमस इन सोशल मीडिया एज वेल. सो आप आए फॉन्टेनस तो डू चेक आउट दिस प्लेस. फॉन्टेनस में आपको बहुत सारे कैफेज भी मिल जाएंगे जहाँ पे आप इंटरनेशनल क्विजिन का मजा भी ले सकते हैं. गाइज, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये अटल सेतु है. ये अभी न्यूली कंस्ट्रक्टेड है, तो आप ओल्ड गोवा में ट्रैवल कर रहे हैं तो आप हर जगह इसको देख पा रहे हैं. तो टू व्हीलर लेकर आप इसके ऊपर मत जाइए, बड़ा फाइन लग जाएगा. ये ओनली एक्सप्रेसवे है और इसमें फोर व्हीलर्स ही अलाउ है. वैसे तो गोवा को लेकर सबके दिलों में अलग अलग फैंटेसी होती है. किसी को क्लबिंग पसंद है, किसी को बीच पसंद है, मगर मेरा ये दूसरी बार गोवा है और मुझे जो
सबसे अच्छी चीज़ लगी इस गोवा में तो वो है बाइक राइड करना। छोटे छोटे रोड्स, ग्रीनरी और खूबसूरत रो हाउसेस, और उनके बीच में जब आप बाइक लेकर जाते हो तो उसका मज़ा ही कुछ और है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको गोवा में कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है। हेलो गाइस, तो हमने दीमार बीच होटल में चेक इन किया था। 3 दिन के लिए हमने ये रूम लिया था जो हमको 700 पर डे का चार्ज हमको हुआ था। हमने ये मेक माई ट्रिप के थ्रू बुक किया था। हम डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे आके रुक सकते हैं। ये कैलंगुट बीच के पास है और बीच यहाँ से बाका कैलंगुट दोनों ही यहाँ से बहुत ही पास है। कन्वीनियंटली हम जा सकते हैं जब भी मन करे। 5 मिनट का ही है डिस्टेंस आई गेस। तो चलिए आपको रूम टूर करवाते हैं। तो यहाँ से एंट्री करने पर ये एक ह्यूज बेड दिया हुआ है और यहाँ पे लगेज रखने के लिए कबर्ड्स दिए हुए हैं। यहाँ पे ड्रॉयर वगैरह भी है और यहाँ पे भी बहुत सारा स्पेस दिया हुआ है सब सामान रखने के लिए। और ये एक बड़ा सा मिरर, इधर पे भी आप चीज़ें रख सकते हो यहाँ पे। और ये रहा वॉशरूम, वॉशरूम भी काफ़ी बड़ा है और बहुत ही साफ है। तो गाइस, अगर आप नॉर्थ गोवा में आ रहे हो तो इस होटल में आप चेक इन कर सकते हो। इसका डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप इसको कॉन्टैक्ट करके यहाँ पे आ सकते हो। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं कैलंगुट। सो बेसिकली हमारा डे टू का प्रोग्राम ऐसा है कि हम नॉर्थ गोवा कवर करने वाले हैं और हमारा फर्स्ट जो हम लोग स्टे कर रहे हैं वो कैलंगुट में है। तो यहाँ पे हम आए हुए हैं हॉलीडे इन गोवा। यहाँ से सारे टूर्स एंड पैकेजेस एंड बाइक बहुत सस्ते दाम में आपको रेंटल में मिल जाएंगे। हमने भी बाइक लिया है, बट आप ध्यान रखिए जब भी बाइक ले पूरा वीडियो निकाल ले उसका, क्योंकि रिटर्न करते वक्त बहुत दिक्कतें आती है यहाँ गोवा में। तो आप पूरा वीडियो ले सकते हैं एंड गोवा इन हॉलीडे इन गोवा में आप आकर सारे बुकिंग कीजिए। ये आपको बहुत अच्छे रेट्स में आपको सारे टूर्स एंड पैकेजेस का रेफरेंस भी दे देंगे। हमने भी बुक किया है पैकेज, हमारे लिए कल बहुत स्पेशल डे है, वो आप कल ही देख लीजिएगा कल के वीडियो में। तो चलिए फिर लेट्स एक्सप्लोर द नॉर्थ गोवा। हेलो गाइस, तो गोवा के डे टू में हम लोग अभी हैं कैलंगुट बीच के पास होटल दीमार में। आपने सुबह देखा ही होगा कि हमने बाइक अपना रेंट कर लिया था, तो अभी हम बाइक से ही जाने का प्लान कर रहे हैं टू बागा बीच एंड कैलंगुट बीच। प्लान तो वही है, लेकिन अभी शाम के 7 बज चुके हैं। पता नहीं अभी क्या है, लेकिन सुमित तो बोल रहा है कि यहाँ पे नाइट लाइफ ही है गोवा का जो इसको सबसे ज़्यादा लाइवली बनाता है। तो नाइट लाइफ के लिए हम थोड़ा इसीलिए लेट से निकल रहे हैं, तो दोपहर को हम लोग आके आराम से लंच वंच करके थोड़ा रेस्ट कर लिए थे। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं बागा बीच और कैलंगुट बीच एक्सप्लोर करने। तो चलिए फिर आज का दिन शुरू करते हैं, सॉरी आज की शाम शुरू करते हैं। हमारे होटल के सामने ही कैलंगुट मार्केट था, जहाँ फूड जॉइंट से लेकर ड्रेसेस,
गोवन फेमस ड्राई फ्रूट से लेकर चॉकलेट्स और बहुत सारे शोवेनियर शॉप्स थे। सरप्राइजिंगली हमने यहाँ बहुत सारे बिरयानी जॉइंट्स भी देखे जो अक्सर कोस्टल एरिया में नहीं देखने को मिलता है। कैलंगुट बीच के पास पार्किंग भी अवेलेबल है जहाँ 20 रुपीज़ देकर आप बाइक और 50 रुपीज़ देकर आप कार पार्क कर सकते हैं। सो गाइस अभी हम आए हुए हैं कैलंगुट बीच। यहाँ का वाइब बहुत मज़ेदार है, मतलब हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं और प्रक्षित का तो हाथ नीचे ही नहीं जा रहा, वो डांस करने में बिजी है। हम लोग यहाँ ज़्यादा शूट नहीं कर सकते क्योंकि म्यूजिक के वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो चलिए आपको पूरा वाइब दिखाते हैं, मजे करते हैं। A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man, passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way, I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. कैलंगुट बीच दोनों कवर करने का, लेकिन हम सिर्फ कैलंगुट बीच ही जा पाए क्योंकि यहाँ पे अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया। पता नहीं मई महीने में कहाँ से बारिश आ गया, बट इसीलिए हम बारिश की वजह से हम नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास कैमरा वगैरह सब है तो हम भीगना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए सिर्फ हम कैलंगुट बीच ही घूम के आए और अभी उसमें ही हम लोग का 11:30 बज चुका है। तो आज का दिन यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। It's the sound of soul in me.